हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पुलाव। इसके लिए हमें चाहिए चावल। मैंने यहाँ पर नॉर्मल सोना मसूरी चावल का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर 2 कप चावल लिए हैं जिसको मैंने सोक नहीं किया है, मैंने इसको बस अभी धो के रखा है यहाँ पर। और ये है पानी। मैंने यहाँ पर 2 कप चावलों के लिए 4.5 कप पानी लिए हैं, जिसे 1 कप चावल के लिए 2.25 गिलास पानी, मतलब जिस कप से आप मेजर करो उसी कप से आप पानी का भी मेजरमेंट लें। क्योंकि मैं ये प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर 2.25 गिलास पानी लिए हैं 1 गिलास चावल के लिए। वेजिटेबल्स में हमें चाहिए कैरेट। मैंने यहाँ पर कैरेट को इस तरह से बारीक स्लाइसेस किए हैं, इस तरह से कट किया है उसको। छोटी कटोरी में 1 कटोरी ग्रीन बेल पेपर यानी शिमला मिर्च, 1 कटोरी ग्रीन बीन्स, आधी कटोरी मटर यानी ग्रीन पीस, 1 कटोरी मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं यानी पोटैटो, 1 मीडियम साइज टमाटर थिनली चॉप किया है मैंने इस तरह से, 1/2 मीडियम साइज ऑनियन इस तरह से स्लाइसेस में कट किया है। और स्पाइसेस में हमें चाहिए 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट। और हमें इन चीज़ों को ग्राइंड करना है, तो यहाँ पर मैंने ग्राइंड करने के लिए लिया है 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 से 3 क्लव्स यानी लवंग, 1 छोटी सी दालचीनी यानी सिनेमन, 1 मीडियम साइज टोमेटो, 1/2 मीडियम साइज ऑनियन। तो इसमें टोटल 1 मीडियम साइज ऑनियन और 2 मीडियम साइज टोमेटोज जाएंगे। मैंने 1 मीडियम साइज टोमेटो यहाँ पर कट करके रखा है और 1 मीडियम साइज टोमेटो ग्राइंड करने के लिए लिया है, 1/2 मीडियम साइज ऑनियन ग्राइंड मतलब सॉर्ट करने के लिए है, और 1/2 मीडियम साइज ऑनियन ग्राइंड करने के लिए, थोड़ी सी धनिया पत्ती यानी कोरिएंडर लीव्स, 2 ग्रीन चिलीज यानी हरी मिर्च, थोड़े से पेपरकॉर्न्स यानी काले मिर्च, आप अपने स्वाद के अनुसार भी उसे डाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा तेज़ खाना पसंद करते हैं, तीखा खाना पसंद करते हैं, तो आप इसमें और थोड़े ग्रीन चिलीज या फिर पेपरकॉर्न्स ऐड कर लें। तो अभी हम देखते हैं इसको बनाना कैसे है। हम फर्स्ट इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके आप इसको ग्राइंड कर लें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमें आगे क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको तमाम मसालों को ग्राइंड करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लिया है। तो अभी हम देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। यहाँ पर मैंने लिया एक प्रेशर कुकर जिसमें मैंने 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसको गर्म कर लिया है। तो यहाँ पर ऑयल इज हॉट। अभी हम इसमें फर्स्ट डालते हैं ऑनियन, हमें यहाँ पर ऑनियन को लाइट ब्राउन होने तक ऑयल में सॉर्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन ना करें। तो यहाँ पर मैंने ऑनियंस को अच्छे से ब्राउन कर लिया है, तो हमें इससे इतना ही ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा ब्राउन ना करें। तो अभी इसमें नेक्स्ट जाएगा हमारे तमाम वेजिटेबल्स, आलू, ग्रीन बीन्स, मटर, गाजर और शिमला मिर्च। हमें इन तमाम चीज़ों को अबाउट 30 सेकेंड्स के लिए ऑयल में अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर मैंने अबाउट 30 सेकेंड्स के लिए वेजिटेबल्स को अच्छे से ऑयल में भून लिया है। अभी हम डालते हैं इसमें मसाला जो हमने ग्राइंड किया था। इसी में नेक्स्ट जाएगा टमाटर, तो हमें यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पका लेना है तब तक के सारे टमाटोज अच्छे से मैश हो जाएं और इस मसाले की भी कच्चापन चले जाएं। हम तब तक इसको अच्छे से पका लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमें आगे क्या करना है। तो यहाँ पर तमाम टमाटोज भी मैश हो चुके हैं और मसाले का कच्चापन भी जा चुका है। अभी हम इसमें नेक्स्ट डालते हैं हमारे स्पाइसेस, रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर, सॉरी रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी इसमें नेक्स्ट जाएगा चावल यानी राइस, विच आई हैव ऑलरेडी वॉश्ड, और मैंने इसका पानी ड्रेन कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने तमाम चावलों को मिला दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप चाहें तो आप बासमती राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने यहाँ पर
नॉर्मल सोना मसूरी राइस का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसमें नेक्स्ट डालते हैं पानी। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास चावल के लिए 2.25 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। आप जिस कप से चावलों का मेजरमेंट करें आप उसी कप से पानी भी ऐड करें। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर मैंने चावल और पानी को ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम प्रेशर कुकर का लिड बंद करके इसे देंगे अबाउट 3 विजल्स, तब तक ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पर फ्लेम मीडियम से थोड़ा ऊपर रखा है, ज़्यादा हाई में ना रखें वरना नीचे से चावल जल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल पुलाव को दिए थे 3 विजल्स, तो अभी ये बिल्कुल तैयार है। आफ्टर 3 विजल्स अभी हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा वेजिटेबल पुलाव बिल्कुल तैयार है। ये बहुत मज़ेदार बनता है, बनाने में भी बहुत आसान है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप मेरे वीडियोस अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हो या फिर वीडियो रिक्वेस्ट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।